नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे साथ हैं बहादुरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद साव जी, जो कि पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं, कार्यवाहक हैं, सारा पंचायत के कार्य यही देखते हैं। क्या कुछ बीते 15 से 16 महीनों में पंचायत का विकास के लिए अभी तक किया है? सबसे पहले प्रमोद जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले तो मुखिया बनने के बाद हमारे पंचायत में नाली गली और रोड का बहुत समस्या था। हम अपने स्तर से जो भी सरकार के द्वारा फंड दी जा रही है उसे कुछ नली बना है और कुछ अच्छा। क्षेत्र चुनाव के समय जब आप क्षेत्र में जाते थे तो किस तरह की वहाँ पे समस्या आती थी जनता के बीच जाते थे तो सबसे ज़्यादा मांग किस चीज़ का होता था? जनता से सबसे पहले तो जनता यही कहती थी कि इतना बार मुखिया सब आए और गए, आए और गए, लेकिन लोग मतलब आश्वासन देते हैं और कुछ विकास दिखता ही नहीं। हम बोले वैसा नहीं होगा, एक बार आप लोग भरोसा कीजिए, हर गांव का विकास होगा, हर टोला का विकास होगा। और वैसा ही मैंने क्या लग रहा है जीत करके सबसे पहला काम अपने पंचायत के विकास को लेकर क्या किए थे? जीतने के बाद सबसे पहले हम लोग जितने भी गली नली उसका सर्वे किए और जो जहाँ ज़्यादा दिक्कत था सबसे पहले वहाँ काम करने का काम किए हैं। उसके बाद लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत WPU का निर्माण हो रहा है। साथ में इस योजना की अगर हम बात करें, नल जल योजना मुख्यमंत्री जी का एक अहम योजना है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में धरातल पर है ये? जी, हमारे यहाँ तो धरातल पर है, लेकिन कुछ कुछ जगह जो है पाइप उप का जो समस्या है कहीं कहीं उखड़ गया। कितना वार्ड में गड़बड़ी है अभी तक? गड़बड़ी हमारे के यहाँ 3-4 वार्ड में है। हाँ। जिससे हमारे के यहाँ तो जल नल है ना, हमारे के यहाँ PhD से जो बना है उससे सप्लाई होता है, वो भी अभी सप्लाई नहीं हो रहा है। क्या PhD की तरफ से कुछ गड़बड़ी है वहाँ? गड़बड़ी है, वही पाइप वगैरह समय से बदला नहीं जाता है। उसके लिए बोले हैं किनको आप बोले हैं? PhD के जो यहाँ हैं लोकल अफसर हैं उसको, उनको बोले हैं। क्या कुछ आश्वासन मिलता है? हाँ, बोले हैं मुखिया जी ठीक है। अभी एक तो गली का हम ढलैया करवा रहे थे, वहाँ भी पाइप टूटा हुआ था, तो उनको फोन किए, वो आए, उसके बाद वो ठीक की करके गए। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी महत्वपूर्ण योजना है, गरीबों को उससे घर मकान बनाने के लिए बहुत सारे अनुदान दिए जाते हैं, क्या लग रहा है ये पंचायत में धरातल पर है या फिर ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी है? नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल धरातल पर है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे के यहाँ 800 के आसपास लक्ष्य था, उसमें 600 कुछ आवास जमीन पर हो चुका है और कुछ बाकी है करीब 200 के आसपास, वो भी धीरे धीरे प्रायोरिटी के अनुसार उसका भी हो रहा है। क्या लग रहा है इसमें दलाल भी पड़ते हैं बीच में या फिर टोटल पैसा जो होता है लाभार्थी को मिलता है इसमें फिर दलाल भी कुछ लेते हैं? देखिए, दलाल की जब बात है तो दलाल तो हर जगह कुछ न कुछ हैं वैसे जो गड़बड़ करते हैं। आपके पास ऐसा कुछ शिकायत आता है? शिकायत आता है लेकिन बहुत कम आता है, कुछ लोग हैं जो मतलब इधर उधर करते हैं, लेकिन वैसा कोई विशेष। राशन कार्ड आपके यहाँ अभी तक कितना लोगों को लाभ इसका मिल चुका है? राशन कितना लोगों को लाभ मिल रहा है और कितना लोगों को इसका राशन कार्ड का मतलब बना हुआ है पंचायत में? राशन कार्ड तो यहाँ करीब 1000 से ऊपर बना हुआ है और कुछ लोग जो वंचित रह गए हैं उनका भी मतलब बनाने का काम किया जा रहा है। कब तक उनको बन के मिल जाएगा? वो मतलब अप्लाई किया हुआ है, उसमें समय लगता है, महीना दो महीना 4 महीना भी लग जाता है, लेकिन बन रहा है। मनरेगा से काम हुआ है कि नहीं? मनरेगा से भी हुआ है, तालाब का निर्माण हुआ है, पैन का कटाई हुआ है और मनरेगा से RCC पुलिया का भी काम हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा भी एक अहम है, क्या लग रहा है समाज को आगे बढ़ाने में योगदान है? स्वास्थ्य शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए विद्यालय में शिक्षक उपस्थित होते हैं, सरकारी जो भी विद्यालय है उसमें? जी, शिक्षा के मामले में तो ठीक है, शिक्षा के बारे में तो शिक्षक लोग आते ही हैं समय से, पहले वाली बात नहीं है, अब टीचर लोग आते हैं। आप जाते हैं? हाँ, जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चे। हाँ, हम भी विद्यालय जाते हैं, ऐसे भी मतलब लगता है हफ्ता 2-4 दिन पर करीब करीब कोई विद्यालय चल ही जाते हैं।
बच्चे को खाना जो मिड डे मील का मिलता है सही से मिलता है, पूरा पता है उसको? हाँ, मिलता है सही से, लेकिन वही है कि मेनू के हिसाब से कभी कभी कुछ कमियां रह जाती है। तो इसके लिए कभी आप शिकायत कभी किए हैं? पदाधिकारी हो गए या फिर वहाँ के प्रधानाध्यापक हो गए? हाँ, DO साहब को बोले हैं। क्या मिलता है? नहीं, वो मतलब हमारे सामने ही बात करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा शिकायत है जी, मुखिया जी ऐसे ऐसे कह रहे थे, तो उसमें सुधार किया जाता है। लगभग 3.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, क्या कुछ सोचे हुए हैं पंचायत के विकास को लेकर के? पंचायत के विकास के लिए कि जो भी जो जरूरी है जो सही है वो तो काम हो रहा है, करेंगे। जैसे छठ घाट का निर्माण करना है और जो भी काम है उस काम तो करेंगे। छठ पूजा है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? छठ पूजा के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि छठ माई का जो पर्व है ये बहुत उत्तम पर्व है, इसको हर उल्लास से छठ माई का पूजा अर्चना हम लोग करते हैं और मनोकामना करते हैं कि सब लोग सुखी संपन्न। क्या लग रहा है दोबारा जनता आपको चुनेगी? वो तो सब उनका आशीर्वाद है, जनता लोग का ही है। चलिए, ये थे प्रमोद साव जी जो कि बहादुरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पंचायत के विकास के बारे में इन्होंने सारे बातों को रखा। सहयोगी न्यूज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क।